Hello all of you, I am Sabha Tyagi and I am Biology Faculty at Hayat Institute Roorkee. आज मैं आप लोगों से एक बहुत relevant topic के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे हम सब लोग ये जो present time हम लोगों का चल रहा है हम सबकी life कहीं ना कहीं इस topic से ये टॉपिक हम लोगों की लाइफ में प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस जो है वो रख रहा है. तो एज अ बायोलॉजी फैकल्टी हियर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाहती हूँ. मैं थोड़ा सा आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ अबाउट नोवल कोरोना वायरस दैट इज़ सार्स कोवी टू, जिससे एक डिज़ीज़ होती है जिसका नाम है COVID-19. तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले एक साल से फ्रॉम लास्ट वन ईयर हम लोग इस फैटल डिज़ीज़ से फाइट कर रहे हैं और इससे फाइट करने के लिए ही हम लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए. हम लोगों की क्लास ऑनलाइन चल रही है, हम लोग पिछले एक साल से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेट कर रहे हैं. बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आई हैं. बच्चों को घर रहकर पढ़ना पड़ रहा है, ऑनलाइन मोड को अपनाना पड़ रहा है. ऑफलाइन क्लास से वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए हैं. ऑनलाइन में उनको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना पड़ रहा है और ये सारी चीज़ें जो है वो सब एक बीमारी की वजह से हुई हैं जिसका स्प्रेड जो है वो स्टार्ट हुआ था 2019 के एंड में, दैट इज़ नवंबर या दिसंबर में चाइना में, और उसके बाद ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई और ये एक वैश्विक महामारी में कन्वर्ट हो गई, या हम कह सकते हैं कि ये एक पैंडेमिक बन गई. पैंडेमिक वो डिजीज़ होती हैं जो पूरी दुनिया में फैली होती हैं. तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि COVID-19 प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में फैली हुई बीमारी है, तो हम कह सकते हैं कि हमें पता है, WHO has declared कि COVID-19 इज़ अ पेंडेमिक. COVID-19 जो बीमारी है इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है ये होता है SARS-CoV-2, दैट इज़ सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2. दिस वायरस हैज़, मैंने कि जैसे कि आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं वायरस के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन और जेनेटिक मटीरियल का बना होता है. अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, COVID-19 के पॉजिटिव एजेंट की, तो इसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में यहाँ पर DNA नहीं होता, RNA होता है. तो जेनेटिक मटेरियल इन कोरोना वायरस इज़ RNA. तो दिस वाज अबाउट द वायरस कि ये वायरस क्या है. इसके सिवा वायरस का स्प्रेड बहुत सारी कंट्रीज़ में हो चुका है. वायरस म्यूटेट कर रहा है. आप लोगों को बायोलॉजी का अगर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम बताएं तो ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बेटर सर्वाइवल के लिए इवॉल्व करते हैं, म्यूटेट करते हैं, और ये सारी म्यूटेशन आगे चलकर इवोल्यूशन में कन्वर्ट होती हैं. इवॉल्व करता है एक ऑर्गेनिज्म. अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो इसका जेनेटिक मटीरियल RNA है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है. तो जो कोरोना वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था, अभी जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है इट इज़ द म्यूटेंट फॉर्म. म्यूटेशंस हो चुकी हैं और म्यूटेशन के बाद इसकी इन्फेक्टिविटी, द इन्फेक्शियस पावर ऑफ द वायरस एंड उसका कॉन्टेजियस होने की पावर. कॉन्टेजियस होने की पावर मतलब उसका जो फैलने की क्षमता है वो पहले वाले वर्जन से और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है. अब ये और तेज़ी से फैलता है, ये और ज़्यादा इन्फेक्शियस है. This virus has claimed life of so many people around the world. हमारी दुनिया में globally अगर हम बात करें तो जितने लोग फ़िलहाल infected हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की death हो रही है. आप लोग अपनी आँखों के सामने ये देख रहे हैं. तो this virus is very dangerous और इसका spread बहुत fast होता है. It is very contagious disease. If you are in contact with an infected person, there are many chances कि आपको भी infection हो जाएगा. तो इसके स्प्रेड को रोकना जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है. तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसके स्प्रेड को रोकने की, अगर हम बात करें इसके स्प्रेड को रोकने की, तो हम कहेंगे कि प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या है.
प्रिवेंटेटिव मेजर्स का मतलब है कि हम किन तरीकों से, क्या हमारे पास मेजर्स हैं, क्या हम कर सकते हैं इस वायरस को रोकने, इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए। तो क्या क्या प्रिवेंटेटिव मेजर्स हैं जो हम लोगों को लेने हैं जिससे हम इस डेंजरस डिजीज़ के स्प्रेड को रोक पाएँ। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रिवेंटेटिव मेजर्स लिखे हैं, जैसे मास्क पहनना, वेयरिंग मास्क। मास्क पहनना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसका रीज़न ये है कि जब हम लोगों ने मास्क पहना होता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर मास्क पहना हुआ है और हम उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो एक्चुअली इस डिज़ीज़ का जो स्प्रेड होता है, इस डिज़ीज़ के स्प्रेड होने में होता क्या है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है तो उसके कफ या स्नीज से जो पार्टिकल निकले उनमें वायरस हो सकता है इफ़ द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड। और उस इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो एयर में हो गया है, क्योंकि जब कफ या स्नीज हुई है तो पार्टिकल एयर में पहुंच गया है। और कोई हेल्दी पर्सन जब उस एयर को इनहेल करता है जो उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास था, उसकी विसिनिटी में था, उसके क्लोज खड़ा हुआ था, तो वो वायरस वो इनहेल कर सकता है। और इस सिचुएशन में जो हेल्दी पर्सन था वो भी क्या बन जाता है, इन्फेक्टेड। इसीलिए सब लोगों को मास्क पहनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने मास्क पहना हुआ है, अगर हम इन्फेक्टेड है तो हम इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ये इसके चांसेस कि हम इन्फेक्शन किसी दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर पाए। किसी और को इन्फेक्शन है, उसने मास्क पहना हुआ है, तो मास्क पहनने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे कि इन्फेक्शन उससे हमारी बॉडी में आए। तो इसीलिए फ्रॉम लास्ट वन ईयर वी ऑल आर वेयरिंग मास्क एंड इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल कि हम लोग ये मास्क पहनने की प्रैक्टिस को चलाते रहे। अभी इसके सिवा क्लीनिंग हैंड्स, हैंड्स को कंटिन्यूसली क्लीन करना। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले एक डेढ़ साल से, जब से कोरोना वायरस का स्प्रेड फैला हुआ है, सैनिटाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, या फिर हम लोगों को फ्रीक्वेंटली सोप और वाटर से अपने हैंड वॉश करने होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। रीज़न इस डिज़ीज़ का स्प्रेड एक तरीके से तो मैंने आपको बताया है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कफ या स्नीज से जो पार्टिकल निकला है, जो वायरस पार्टिकल निकला है, कोई हेल्दी पर्सन अगर उसको इनहेल करता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी इस इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सकता है। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज, सपोज़ हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जिसको मल्टीपल लोग टच करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी प्लेस की, किसी शॉप की डोर नॉब की, कोई भी अगर सपोज़ हम एक शॉप की बात कर रहे हैं, आप किसी शॉप में एंटर करेंगे तो जिस डोर नॉब को खोलकर आप शॉप के अंदर एंटर कर रहे हैं, और वो डोर नॉब जितने भी लोग उस शॉप के अंदर आएंगे वो टच करेंगे, तो इट इज़ वन थिंग दैट मेनी पीपल आर गोइंग टू टच। तो ऐसी चीज़ें जिनको बहुत सारे लोग टच करते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी पर्टिकुलर चीज़ को टच किया है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन या फिर जो वायरस के पार्टिकल थे वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो गए। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वायरस प्रेजेंट हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करेंगे, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करेंगे तो वो पार्टिकल हमारे हैंड्स पर भी आ सकता है, एंड देन जब हम अपने नोज़ या माउथ को टच करेंगे तो वो पार्टिकल हमारे अंदर इनहेल हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि आप फ्रीक्वेंटली अपने हैंड्स को सैनिटाइज करो या अपने हैंड्स को वॉश करो, सो दैट अगर आपने किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच कर भी लिया होगा और उसके बाद वायरस का पार्टिकल आपके हैंड पर आ भी गया होगा तो वो वॉश ऑफ हो जाए और आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एंटर ना कर पाए। साथ में ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको बहुत सारे लोग टच करते हैं उनकी पीरियोडिक क्लीनिंग, कंटामिनेशन फ्री उनको बनाने का प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये इस टाइम पर अटेम्प्ट करना चाहिए कि ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस है उन पर हम कम से कम ही जाएं, क्योंकि वायरस का स्प्रेड हुआ हो रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी प्लेसेस में हम कम से कम ही विज़िट करें। फिज़िकल डिस्टेंसिंग ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेसेस हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट हो सकता है। तो इसीलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो मेजर है उसको अडॉप्ट करना है। उससे क्या होता है बच्चों, अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन उसके अंदर है और अभी हम उसके जस्ट इमिडिएट कॉन्टैक्ट में उसके खड़े हुए हैं, एंड इफ़ ही इज़ स्नीजिंग, इफ़ ही इज़ कफिंग, तो एयर के अंदर वायरस पार्टिकल आ सकता है इफ़ ही इज़ इन्फेक्टेड।
ऐसे ही कंटामिनेटेड एयर को जब हम इनहेल करेंगे तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हमें पता होगा कि कौन पर्सन इन्फेक्टेड है. देर आर मेनी केसेस जहाँ पर लोग एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसी को अगर कोविड का इन्फेक्शन होगा, कोई कोविड पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर कोई सिम्टम आएंगे. देर आर मेनी पेशेंट्स हु आर एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक है, यू विल नेवर नो कि दे हैव इन्फेक्शंस ऑफ वायरस. तो इसीलिए हम लोगों को ये अटेम्प्ट करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके मेजर को अडॉप्ट करें और हम लोगों से एक डिस्टेंस जो है उसको बनाकर रखें. इसके सिवा हम लोगों को ये भी इंश्योर करना है कि जिस भी स्पेस में हम लोग जाते हैं वहाँ पर वेंटिलेशन रहे. दैट इज़ क्लोज्ड स्पेसेस जो होती है वहाँ पर वेंटिलेशन की सुविधा होनी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इसके सिवा वैक्सीनेशन, इसके सिवा अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन इज़ वन ऑफ द मेजर, इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटेटिव मेजर जिससे हम पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली इस पेंडेमिक को ख़त्म कर सकते हैं. जब पूरी दुनिया में वैक्सीन लग जाएगी, जब हर इंडिविजुअल को वैक्सीन लग जाएगी कोविड के अगेंस्ट, उस दिन हमारी हमारा वर्ल्ड कोविड फ्री हो पाएगा. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने बहुत सारी डिजीज़ फाइट की हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन. पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये भी कोरोना की तरह बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ थी, लेकिन आज इनका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है. और उसके पीछे जो रीज़न है वो वैक्सीनेशन, इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम है. तो आज हम लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं, जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इफ़ेक्टिव बनेगा, जैसे हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, तो हम एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोरोना भी हम लोगों के बीच से ख़त्म हो जाएगा. इसके सिवा बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स की, तो आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना में जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होता है, ड्राई कफ रहता है, टायर्डनेस. कुछ पेशेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही मेंशन किया कि हम लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके अंदर कोई सिम्टम होता ही नहीं है, दे आर कोविड पॉजिटिव. जिनके अंदर कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं उसमें फीवर रहता है लोगों को, ड्राई कफ होता है, टायर्डनेस रहती है, लोगों को थकान फील होती है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है. तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड इन्फेक्शन. इसके सिवा अगर हम बात करें सीरियस सिम्टम्स की, सीरियस सिम्टम्स मतलब जब कोविड का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है इंडिविजुअल्स के अंदर, या फिर डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अपने रूप में आ जाती है, तो सीरियस सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑक्सीजन सेचुरेशन पेशेंट की कम हो जाती है, तब हमें रिकमेंड करना होता है कि हम तीन बार एटलीस्ट, जब ये स्टार्ट होता है तो दिन में एटलीस्ट तीन बार हम पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें, जिससे हमें पता रहे कि पेशेंट को कितना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चल रहा है. इसके सिवा चेस्ट पेन जैसे सिम्टम आ सकते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोविड बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पेशेंट को पहुँचा रहा है और इसमें इमिडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेशेंट को होती है. तो विद दिस हम लोग अपनी वीडियो एंड करते हैं. तो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इंडोर्स रहे, हम लोग सेफ रहे, वैक्सीन्स लगवाएं और कोविड को ख़त्म करने में अपनी कंट्री का सहयोग करें.